हेलो दोस्तों, आप सबको मेरा यूट्यूब चैनल वीवी फनी ड्राइंग ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। अगर आपको मेरा चैनल पसंद लगे तो आपसे जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा और साथ में अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच जरूर शेयर कीजिएगा। आखिर में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे मेरा पहला नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन तक पहुंचे। तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। तो आज का टॉपिक है सेंटा क्रिसमस सीनरी। तो चलिए इसे हमने किस प्रकार बनाया था स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हमने येलो कलर निकाल कर उसमें अच्छी तरह से स्लैंट बेस में मारा। देखिए मैं किस प्रकार स्लैंट लाइन में मार रहा हूँ, आपको उसी प्रकार स्लैंट लाइन में ही मारना है। बाद में स्काई ब्लू पकड़कर उसके दोनों साइड मारेंगे। हमें ध्यान देना है जब हम स्काई ब्लू मारेंगे येलो में ज़्यादा मिक्स नहीं करना है। बाद में व्हाइट पकड़कर जहाँ पर ऊपरी सतह पर हमने व्हाइट थोड़ा छोड़ा था वहाँ पर अच्छी तरह से व्हाइट कलर को मारना है। ध्यान देना है मारते समय कहीं गैप ना आ जाए, गैप आने से वहां पे हमारा स्क्रैच नहीं होगा, इसलिए हमें ध्यान से देखना है। देखिए मैं किस प्रकार मार रहा हूं, आपको उसी प्रकार मारना है। बाद में हम लाइट ग्रीन लेकर जहां जहां हमने व्हाइट पहले ही से छोड़ा था वहां पर भी हम लाइट ग्रीन मार लेंगे। बाद में हम रेड कलर लेकर लाइट ग्रीन के साइड साइड में ऐसे ही स्लैंट लाइन में हमें मारना है। याद रखिए जब हम कोई कलर मारेंगे तो एक शेप में मारना है। बाद में हम उसमें ऑरेंज मारेंगे। देखिए मैं किस प्रकार ऑरेंज मार रहा हूँ, आपको उसी प्रकार ऑरेंज मारना है। एक ही शेप में मारना है, डबल डबल शेप मत मारिएगा, नहीं तो आपको स्क्रैचिंग में प्रॉब्लम आ सकता है। फिर देखिए हम डार्क ग्रीन पकड़कर जहाँ जहाँ नीचे नीचे थोड़ा छोड़ा था वहीं पर हम डार्क ग्रीन मारेंगे। ध्यान देना है हम जहाँ जहाँ जो शेड मार रहे हैं पहले से प्लानिंग करना है कि हमें वहाँ पे क्या ड्राइंग करना है, वो चीज़ सोचकर ही हमें कलर शेड देना चाहिए। आखिर में हम ब्लैक कलर लेकर अच्छी तरह से उसमें देखिए मैं किस प्रकार अपोजिट स्लैंट शेप में ब्लैक कलर को अच्छे से मार रहा हूँ। देखिए अच्छी तरह से दबा दबा के अच्छे से मार रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा मारते समय टेढ़ा मेरा शेप में मत मारिएगा, नहीं तो नीचे कलर उठ सकता है और आपका स्क्रैच नहीं हो पाएगा। तो देखिए मैं किस प्रकार ब्लैक कलर को अच्छी तरह से मार रहा हूँ, उसी प्रकार आपको स्लैंट शेप में अच्छी तरह से मारना है। देखिए लगभग मैंने मार मार कर इसमें अच्छी तरह से भर दिया है। भरने के बाद हम स्क्रैचर पकड़ेंगे या कोई खराब वाला बॉल पेन पकड़ सकते हैं। देखिए मैं घर का शेप निकाल रहा हूँ, मैंने पहले से ही प्लानिंग कर रखा है कि आज का मेरा टॉपिक क्या है और मैं ध्यान से जहाँ जहाँ जितना गाड़ी लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ उतना ही मैं लाइन ड्रॉ करूँगा। आप जब ड्राइंग करेंगे, जो भी ड्राइंग करेंगे, सबसे पहले आपको प्लानिंग करना है कि कहाँ पे क्या बनाना है। देखिए मैंने यहाँ घर का प्लानिंग किया था तो वहाँ पे छोटा सा झोपड़ी नुमा थोड़ा बना दिया है, क्योंकि आज हमारा जो सेंटा क्लॉज है एक गरीब घर में गिफ्ट देकर वापस जा रहा है, तो हमने छोटा सा झोपड़ी बना दिया है। फिर उसके छत में थोड़े स्ट्रोक दिए हैं, थोड़े घास नुमा स्ट्रोक दिए हैं, आप उसके ऊपर में लाइन से भी ड्रॉ कर सकते हैं। हमें ध्यान देना है जब हम स्ट्रोक्स मारेंगे तो हमें अच्छी तरह से सोच समझ कर ही मारना है, क्योंकि मैंने प्लानिंग कर रखा है कि आज हमारा टॉपिक सांता क्लॉज के ऊपर में है, तो उसी हिसाब से हम थोड़ा स्नो एरिया दिखाएंगे, थोड़ा बर्फनुमा एरिया दिखाएंगे और अंधेरी रात का व्यू दिखाएंगे जिसमें ओनली हाईलाइटिंग पड़ रहा है। देखिए आज हमने चांद नहीं बनाया है, ओनली हाईलाइटिंग से बस सब दिखा दिया है। देखिए हम स्क्रैचेस किस तरह से मारा जा रहा है, आपको ठीक उसी प्रकार मारना है पर भर भर के बिल्कुल नहीं मारना है।
showing off. Don't wanna have to wait tonight. Wait tonight. Bets are off. I'm gonna find my way tonight. Wait tonight. Won't you talk to me? I wanna heal your sorrow. Won't you talk to me? We'll make a new tomorrow. Won't you talk to me? One night to find the answer. Won't you talk to me? What makes this heartbeat faster? Find my way tonight. Wait tonight.